नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज जो कथा मैं आपके समक्ष कहने जा रहा हूँ वह लिंग पुराण के हिंदी पीडीएफ में पेज नंबर 107 और 108 पर उल्लेखित है, जिसमें ब्रह्मा जी के प्राण त्यागने का उल्लेख किया गया है। दोस्तों आप यह तो जानते हैं कि पृथ्वी की रचना का पूरा कार्यभार ब्रह्मा जी ने संभाला था। उन्होंने एक बार पृथ्वी की रचना भी की थी, लेकिन किसी कारणवश उसका उन्हें विनाश करना पड़ा। अतः दोबारा जब उन्होंने पृथ्वी की रचना के बारे में सोचा तो ब्रह्मा जी ने प्रजा की रचना हेतु घोर तप किया, जो कई हजार वर्षों तक चलता रहा, किंतु उस तप से उन्हें कुछ भी प्राप्त न हो सका। तब दीर्घ काल तक तप करने पर ब्रह्मा जी के आंखों से आंसू निकलने लगे। तब उन आंसुओं से वात पित्त कफ से युक्त स्वास्तिक से युक्त बड़े बड़े केशों से युक्त महाविषैले सर्प उत्पन्न हुए। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित रह गए और तब ब्रह्मा जी बोले कि अगर मेरी तपस्या का फल यह है तो यह मेरे लिए धिक्कार है, क्योंकि यह लोगों को विनाश करने वाली प्रजा है। इस प्रकार के क्रोध और पश्चाताप से ब्रह्मा जी को मूर्छा आ गई और उसी समय प्रजापति ब्रह्मा ने अपने प्राण त्याग दिए। किंतु उनके इस प्रकार प्राण त्यागने से उनके शरीर से 11 रुद्र उत्पन्न हुए, जो रोते हुए उत्पन्न हुए थे और रोने के कारण ही वह रुद्र कहलाए। ये रुद्र ही ब्रह्मा जी के प्राण हैं और यही रुद्र प्राणियों के भी प्राण हैं, जो सभी जीवधारियों में समाये हुए हैं। महाभाग साधु ब्रह्मा के इस प्रकार के उग्र कार्य से प्रसन्न होकर उन रुद्रों ने ब्रह्मा के प्राण वापस कर दिए और फिर से उन्हें जीवन दान दिया। तब प्राणों को प्राप्त कर ब्रह्मा ने देवेश्वर भगवान शंकर की पूजा उपासना की। तो दोस्तों आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर भी करें। इसी के साथ मैं राहुल आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।